बच्चों से पंखा चलवाते प्रधानाध्यापिका का वीडियो हुआ वायरल। देश ही देवरिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कौला छापरा का है मामला। आपको बताते चले, देवरिया प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए समय समय पर जारी किए गए फरमान का असर कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं पर नहीं पड़ रहा है। वे मनमौजी तरीके से सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण देवरिया जनपद के देसही देवरिया ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय कौला छापर का है। इस विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में विद्यालय के प्रधानाध्यापिका शकुंतला देवी एक छात्र से पंखा चलवाती नजर आ रही हैं। एक बच्चा हाथ में पंखा लेकर उसे मैडम के सामने डुला रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब शिक्षा विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि छात्रों से विद्यालय में पठन पाठन के अलावा अन्य कोई भी कार्य नहीं कराए जाएंगे, तो मैडम उससे खातिरदारी क्यों करवा रही हैं? क्या उन्हें शिक्षा विभाग के नियमों की जानकारी नहीं है? क्या मैडम बच्चों को पढ़ाने से कतरा रही हैं? क्या किसी तरह से समय पास करना ही मैडम की दिनचर्या बन गई है? इन सारे सवालों का जवाब विभाग को तलब करना चाहिए। देखना यह है कि शिक्षा विभाग के आला अधिकारी इस मामले में कोई कार्यवाही करते हैं या फिर इसे अनसुना कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इस बाबत पूछे जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरीश चंद्र ने कहा कि मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से पता चला है, जांच कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एक विद्यालय वहाँ पर हेडमास्टर बच्चों से पंखा चलवा रहे, क्या है मामला? मेरे संज्ञान में नहीं है, उसको मैं जांच करवाऊंगा और अगर वास्तव में ये सही साबित होता फिर उसके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, वो पंखा एकदम वीडियो में है कि वो पंखा चला रहे हैं। ठीक है सर, मैं जांच करा रहा हूँ।